हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति शर्मा फ्रॉम ज्ञानोदय विद्यालय भोपाल एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी लेसन 4 द रेड ट्रैप फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो. द राइटर ऑफ द लेसन इज सेल्मा लेगरलोफ. रेड ट्रैप आप सभी जानते होंगे क्या होता है. जो चूहा पकड़ने के लिए एक जो नेट होती है, जो पिंजरा होता है, उसको रैट ट्रैप कहते हैं. पर उसके बारे में फर्दर डिस्कस करने के पहले वी विल डिस्कस अबाउट द ऑथर. सेल्मा लेगरलोफ वॉज अ स्वीडिश राइटर हुज स्टोरी हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस. अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, अ बिलीफ दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव. तो सेल्मा लेगरलोफ जो थी, उनका बर्थ हुआ था 1858 में एंड डेथ हुई थी 1940 में. वो एक स्वीडिश राइटर थी और उनकी जो स्टोरीज थी उनको बहुत सी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया. और उनकी जो स्टोरीज थी, उनका जो थीम था, उसमें एक चीज़ हमेशा देखी जाती थी कि अंडरस्टैंडिंग और लव. जब आप किसी को स्नेह देते हैं, उसको समझते हैं, तो व्यक्ति के अंदर की अच्छाई जाग जाती है. वह कितना भी बुरा हो, यदि हम उसको अच्छे से बिहेव करेंगे किसी पर्सन के साथ, तो उसकी गुडनेस जो है वो बाहर निकल कर आती है. तो इस स्टोरी में भी यही बताया गया है. दिस स्टोरी इज सेट अमिस द माइंस ऑफ स्वीडन रिच इन आयरन ओर. तो ये जो स्टोरी है वो कहाँ पर सेट है? स्वीडन में, जहाँ पर बहुत सारे आयन के ओर हैं, आयन का अयस्क बहुत अधिक पाया जाता है और आयन की मिल्स और फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा होती हैं. और यहाँ पर इस स्टोरी में को जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है ना, द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ फेरी टेल. आपको लगेगा कि आप कोई फेरी टेल पढ़ रहे हैं. तो बहुत ही प्यारी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग लगेगी आपको. थोड़ी सी लेंथी ज़रूर है, लेकिन आप इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे. सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी. यहाँ पे आप देखिए, पिक्चर में एक रेड ट्रैप बना हुआ है, आप सभी ने ये देखा है. तो ये रेड ट्रैप जो होता है, यहाँ पर मेटाफर के रूप में भी यूज़ किया गया है. कैसे? चूहे को पकड़ने के लिए यहाँ पर ये जो प्लेट होती है, जो एक हुक होता है, उसमें हम क्या फंसाते हैं? खाने की चीज़ें. चूहे को बेट्स दिए जाते हैं, उसको लालच दिया जाता है. उस खाने के लालच में चूहा इस रेड ट्रैप की तरफ अट्रैक्ट होता है और जैसे ही वो उस खाने की चीज़ को टच करता है, वो उस रेड ट्रैप में फंस जाता है. सेम जो नरेटर रहेगा इस स्टोरी का, वो इस दुनिया को ही रेड ट्रैप कहता है. ये वर्ल्ड इज़ अ बिग रेड ट्रैप. और हमारे बेट्स क्या हैं? हमें किन चीज़ों का लालच है? जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं, वो चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं और हम जितना उनसे आकर्षित होते जाते हैं, अट्रैक्ट होते जाते हैं, हम इस दुनिया रूपी रेड ट्रैप में हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं और उन चीज़ों से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. तो अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन who went around selling small red traps of wire. एक समय की बात है, एक आदमी था जो कि सब जगह घूम घूम कर क्या बेचा करता था? छोटे छोटे red traps जो कि wire के बने हुए होते थे, बना बना कर बेचता था. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. तो वो ये रेड ट्रैप्स कैसे बनाता था? उसको जो बैगिंग से मटेरियल मिलता था या बड़े बड़े खेतों से जो सामान वो उठा लेता था, जो वेस्ट मटेरियल रहता था ना, उससे वो ये रेड ट्रैप्स बनाया करता था. बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पैटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब है अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, पेट भर के खाना खाने के लिए. ये जो रेड ट्रैप का बिजनेस था वो इनफ नहीं था, वो प्रॉफिटेबल नहीं था. तो उसको क्या करना पड़ती थी? पैटी थीवरी. कि बैगिंग तो वो करता ही था, भीख मांगता था, साथ में छोटी मोटी चोरियां भी वो करने लग गया था.
Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. उसके बाद भी उसके जो क्लोथ्स थे वो कपड़े थे, रैग्स थे, मतलब बहुत ही फटे पुराने बेकार कपड़े उसको वो पहनता था। उसके जो चीक्स थे वो संकन यानी बिल्कुल सिकुड़ गए थे, अंदर धंसे हुए थे, और जो हंगर थी, जो भूख थी, उसको पेट भर के खाना नहीं मिलता था, तो वो ग्लीम्ड इन हिज आइज, उसकी आँखों में अलग से ही झांकती थी, उसकी आँखों में दिखाई देती थी वो भूख। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच वैगाबॉन्ड हु प्लॉट्स अलोंग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस। तो कोई भी नहीं इमेजिन कर सकता था कि जो एक वैगाबॉन्ड होता है, ये जो हमारा रेड ट्रैप बनाने वाला व्यक्ति है ना, उसको राइटर ने यहाँ पे वैगाबॉन्ड बोला है। वैगाबॉन्ड मीन्स वॉन्डरर, जो यहाँ वहाँ भटकता है, स्पेशली होमलेस वॉन्डरर, जिसके पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं होती है। तो हम नहीं इमेजिन कर सकते जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, ऐसा वैगाबॉन्ड व्यक्ति जो होता है उसकी लाइफ कैसी हो जाती है, सैड होती है, बहुत दुखी होती है। मोनोटोनस, मोनोटोनस यानी बोरिंग, एक सी लाइफ चलती है, और वो कहाँ घूमता रहता है, सड़कों पर, प्लॉट्स यानी होता है स्लो एंड हैवी वॉक, धीरे धीरे बोझिल सा वो रोड्स पर घूमता रहता है, अपने ही मेडिटेशंस में, अपने ही ध्यान में, अपने ही ख्यालों में वो खोया रहता है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग। लेकिन एक दिन क्या होता है, चलते चलते बड़ा बोर है वो, अपनी लाइफ से परेशान है, लेकिन उसके माइंड में एक ऐसा थॉट आता है जो कि उसको मजा आ जाती है सोच के, एंटरटेनिंग लगता है उसको काफ़ी। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रिप्स व्हेन सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया that world about to him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. तो वो आइडिया क्या है, वो सोचता है कि मैं जो रेड ट्रैप्स बेचता हूँ, ये सिर्फ चूहे के लिए रेड ट्रैप्स नहीं है, एक्चुअली जो पूरी दुनिया है वो क्या है, एक बड़ा सा रेड ट्रैप है। उसकी पूरी भूमि, समुद्र, सिटीज, विलेजेस, सब कुछ उसको क्या दिखाई देते हैं, एकदम से रेड ट्रैप के समान दिखाई देने लग जाते हैं। जो कि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि रेड ट्रैप वर्ड एक मेटाफर के रूप में यूज हुआ है, उसका मतलब सिर्फ रेड ट्रैप नहीं है, इस दुनिया से भी है। क्यों लगता है उसको ऐसा कि दुनिया रेड ट्रैप है? इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। बेट्स यानी वही चीज़ें जो हमें एक प्रलोभन दिया जाता है चूहे के लिए, चीज़, पनीर, बिस्किट्स, ब्रेड्स, ये बेट्स हैं, और हमारे लिए जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, अच्छे अच्छे कपड़े, कार्स, बड़े बड़े घर, मोबाइल्स, टीवी, ये सब हमारे लिए बेट्स हैं। तो वो कहता है कि ये दुनिया का और कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ हम लोगों के लिए बेट्स प्रस्तुत करती रहती है वो। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, वो बेट्स क्या क्या है, धन है और खुशियाँ हैं, एंटरटेनमेंट की जो चीज़ें हैं, शेल्टर एंड फूड, रहने की अच्छी अच्छी जगह, अच्छा अच्छा खाना, हीट एंड क्लोथिंग, जब ठंड की जगह पे हम रहते हैं तो गर्माहट जिस चीज़ से मिलती है वो, एंड क्लोथिंग यानी अच्छे अच्छे कपड़े, ये सभी क्या हैं, हमारे लिए बेट्स हैं। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। तो जैसे कि चूहों के लिए क्या है बेट, चीज़ एंड पोर्क, पोर्क यानी मीट, स्पेशली पिक का जो मीट होता है उसको पोर्क बोलते हैं। तो चूहों के लिए हम मीट रखते हैं उस रेड ट्रैप में, चीज़ रखते हैं जो उसको अट्रैक्ट करता है, हमारे लिए ये सारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो हैं वो बेट का काम करती हैं। और जैसे ही हम उनके लिए टेम्प्टेड होते हैं, उनसे पाने के लिए अट्रैक्ट होते हैं, उनको छूते हैं, तो ये पिंजरा जो है वो हमारे ऊपर क्लोज्ड इन, बंद हो जाता है और सब कुछ ख़त्म। उसके बाद हम उस जाल से, उस पिंजरे से कभी भी वापस निकल कर नहीं आ पाते हैं। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। तो क्या होता है, उसको क्यों ये थॉट एंटरटेनिंग लगा, क्योंकि जो दुनिया है उसने इस वॉन्डरर को कभी कुछ बहुत अच्छा नहीं दिया, उसके प्रति ये दयालु नहीं था,
तो उसको दुनिया पसंद नहीं थी, लेकिन जब वो कुछ ऐसा अनवांटेड मींस अनयूजुअल, जब वो इस तरीके से बुरा सोचता है दुनिया के बारे में, तो उसको एक अजीब सी जॉय, अजीब सी खुशी मिलती है कि ये दुनिया मेरे को कुछ नहीं दे पाई तो ये दूसरों को भी कुछ नहीं दे रही है, उनको अपना गुलाम बना रही है। इट बिकेम अ चेरिश्ड पास्ट टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट। तो वो उसके लिए एक चेरिश्ड पास्ट टाइम बन गया था, वो बड़ी खुशी से इस तरह की सोच के साथ अपना टाइम कंज्यूम करता था, अच्छा उसको फील होता था। क्या कि जो जब वो मेहनत करते हैं ड्रेरी प्लॉडिंग्स, यानी एक डल, एक स्केरी, एक बोरिंग सा हार्ड वर्क व्यक्ति कर रहे होते हैं, तो वो समझ उनको देखकर खुश होता है कि ये इतना जो काम कर रहे हैं ये अपने आप को एक स्नेयर, एक ट्रैप में कभी ना कभी बंद करेंगे, वो पाएंगे कि हम एक जाल में फंस चुके हैं। उनको नहीं पता कि ये सब काम करके वो अपने आप को एक बेट के इर्द गिर्द सेट कर रहे हैं, और जैसे ही वो उस बेट को टच करेंगे वो दुनिया रूपी रेड ट्रैप में फंस जाएंगे। वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रजिंग अलोंग द रोड ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। तो एक इवनिंग में जो कि डार्क हो रही थी, रात करीब थी, वो ट्रजिंग मीन्स होता है वॉक विथ हैवी स्टेप्स, वो बोझिल कदमों के साथ चला जा रहा है, वो थका हुआ है, उसको करने के लिए कोई काम नहीं है, रोड पर ऐसे ही जा रहा है। तब उसको रोड के किनारे पर एक ग्रे कॉटेज दिखाई देता है, एक हट दिखाई देती है। ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। वो वहाँ जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है और उस रात रुकने के लिए स्थान पाने की आशा रखता है। Nor was he refused. Instead of sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. तो generally उसके साथ क्या होता था, उसको जब वो कहीं रुकने के लिए शेल्टर के लिए नॉक करता था ना, तो sour यानी यहाँ पे unfriendly, जो फेसेस डोर खोलते थे वो बड़े अनफ्रेंडली होते थे, उसको रुकने के लिए जगह नहीं देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, उसको रिफ्यूज़ नहीं किया गया, बल्कि जो ओनर था उस हट का, उस कॉटेज का जो मालिक था, एक ओल्ड मैन था जिसकी पत्नी और बच्चे नहीं थे, वो बहुत खुश हुआ उसको अपने घर पाकर, क्योंकि वो अकेला था और उसको आज कोई मिल गया था अपनी लोनलीनेस में, अपने अकेलेपन में बातें करने के लिए। तो वो खुश हो जाता है ओल्ड मैन की कम से कम आज की शाम उसके साथ कोई व्यक्ति रहेगा। इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन। जैसे ही ये गेस्ट उसके घर में आता है, वो पॉरेज पॉट को, पॉरेज मतलब एक लिक्विड डाइट होती है, रबड़ी टाइप की कह सकते हो, हमारे यहाँ जो दलिया बनता है इस तरह की डिश है, उसके पॉट को वो गर्म होने के लिए रख देता है ताकि दोनों सफ़र करें, रात में बैठकर साथ में खाना खा सकें। और वो टोबैको स्लाइस कट करता है कि दोनों बैठकर पाइप में टोबैको भी पियेंगे। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड जोलिस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। फिर जब वो खा लेते हैं सिगरेट पाइप से, टोबैको पी लेते हैं, उसके बाद वो क्या निकालता है, एक कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स निकालता है खेलने के लिए, और एक गेम वो खेलते हैं जोलिस, जो कि एक प्लेइंग कार्ड से, ताश से खेले जाने वाला गेम होता है। कब तक खेलते हैं दोनों, जब तक बेड टाइम नहीं हो जाता। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस एज विथ हिज पॉरेज एंड टोबैको। तो ना वो इतना उदार होता है ओल्ड मैन कि वो सिर्फ उसको खाने के लिए पॉरेज नहीं देता, पीने के लिए टोबैको नहीं देता, बल्कि कॉन्फिडेंसेस मतलब अपने सीक्रेट बताना भी शुरू कर देता है। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्राफ्टर एट रैम्सजो आयर्नवर्क्स एंड हैड वर्क्ड ऑन द लैंड। तो गेस्ट बताता है
गेस्ट को क्या बताता है वो ओल्ड मैन कि वो जब अच्छे दिनों में था अपने प्रॉस्पेरिटी मतलब अपने यंग एज में क्या हुआ करता था, क्रॉफ्टर हुआ करता था। क्रॉफ्टर यानी जो किसी के लैंड को रेंट पर लेकर वहाँ पर छोटी मोटी फार्मिंग करता है। और वो किसके यहाँ काम करता था, रैम्सजो आयरन वर्क। रैम्सजो आयरन वर्क एक आयरन की फैक्ट्री थी बड़ी सी उस एरिया में, वहाँ पर भी वो काम किया जाता था और वहीं उनके लैंड पर वो काम किया करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। और अब चूंकि वो ओल्ड हो चुका था और वो इस तरह का लेबर नहीं कर सकता था, तो वो किसके सहारे अपना जीवन बिता रहा था, एक काउ थी उसके पास। यस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रैमरी एवरी डे, एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट। वो बताता है बॉसी, यहाँ काउ के लिए ही वर्ड यूज हो रहा है, बहुत दूध देने वाली जो काउ होती है ना उसको बॉसी बोलते हैं। तो वो बताता है कि वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिल्क दिया करती थी और उस मिल्क से बहुत ज़्यादा क्रीम निकली थी और वो क्रीमरी को वो मिल्क देता था जिससे कि उसको बहुत पैसे मिल जाया करते थे। तो पिछले महीने वो क्या बताता है इस स्ट्रेंजर को कि मुझे 30 kroner मिले थे पेमेंट में। अब आप सोचिए कि एक स्ट्रेंजर उसके घर में आया हुआ है, उसको ये सब कुछ बताने की क्या ज़रूरत है कि मुझे 30 kroners की इससे अर्निंग हुई है। क्रोनर यहाँ पर क्या है, एक स्वीडिश करेंसी है, मुद्रा है, कहाँ की, स्वीडन की। हमने पहले ही देखा कि जो राइटर है वो स्वीडिश है और ये स्टोरी भी स्वीडन में सेट है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kroner bills। अब आप देखिए यहाँ पर वो बेचारा ओल्ड मैन कितना सीधा है कि उसने स्ट्रेंजर पर कितना बिल्ली ट्रस्ट कर लिया। उसको ऐसा स्ट्रेंजर के चेहरे के एक्सप्रेशन देख के लगता है कि वो इनक्रेडुलस है, इनक्रेडुलस यानी डाउटफुल, अनबिलीविंग। जैसे कि ये स्ट्रेंजर जो है वो मान नहीं रहा था कि इसके पास 30 kroner होंगे। तो ओल्ड मैन उठ जाता है, विंडो के पास एक लेदर का पाउच टंगा रहता है, वो उस पाउच को खोलकर उसको दिखाता है कि देखो ये मेरे पास 3 10 kroner के नोट रखे हुए हैं जो कि काफ़ी मुड़े हुए थे एंड रिंकल्ड थे। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट नॉडिंग नोइंगली एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच। तो वो उसकी आंखों के सामने स्ट्रेंजर को हिलाकर दिखाता है कि देखो मेरे पास 30 kroner हैं, और फिर वापस से उनको कहाँ पर रख देता है, उस पाउच में रख देता है। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। तो क्या होता है, अगली सुबह दोनों रात में सो जाते हैं, सुबह बहुत ही अच्छा मौसम होता है बाहर, तो क्रॉफ्टर क्या करता है जो कि उसका डेली रूटीन है, काउ के पास जाता है उसका मिल्क निकालने के लिए। और दूसरा जो व्यक्ति है, जो स्ट्रेंजर है, उसको नींद तो आ रही थी लेकिन वो क्या सोचता है कि जब घर का मालिक उठ गया है तो मुझे भी उठ जाना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। दोनों ही एक साथ कॉटेज से बाहर निकलते हैं, क्रॉफ्टर क्या करता है डोर को लॉक कर देता है, अपनी पॉकेट में कीज रख लेता है। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड दे अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। तो रेड ट्रैप वाला व्यक्ति उसको थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने उसको डिनर दिया था, रुकने के लिए जगह दी थी, दोनों गुड बाय करते हैं और दोनों अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। He did not try to get in. However, he only went up to the window, smashed a pane, stuck in his hand and got hold of the pouch with the 30 kroner. तो देखिए यहाँ पर हमको पहले ही लग रहा था कि वो ओल्ड मैन ने स्ट्रेंजर पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करके अपनी छुपी हुई पैसे उसको बता दिए थे, तो इसके मन में क्या आ गया, लालच आ गया, और हमारा जो पेडलर है, पेडलर मीन्स जो घूम घूम कर किसी चीज़ को सेल करते हैं, तो जो हमारा रेड ट्रैप सेल करने वाला पेडलर है वो आधे घंटे बाद उस कॉटेज में लौट कर आता है, दरवाजे के पास नहीं जाता बल्कि सीधे कहाँ जाता है, विंडो पर जाता है, क्योंकि उसको एक दिन पहले ओल्ड मैन ने बताया था कि
की विंडो के पास ही 30 क्रोनर के जो नोट हैं वो एक पाउच में टंगे हुए हैं। तो ये क्या करता है, विंडो की जो ग्लास है उसको फोड़ देता है, तोड़ देता है, अपना हाथ अंदर डालता है, पाउच को बाहर निकालता है, पाउच में से 30 क्रोनर निकाल लेता है और उस पाउच को वापस वहीं पर टांग देता है। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इन टू हिज ओन पॉकेट, देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। तो क्या थ्रस्ट यानी क्या है, पुश्ड इनसाइड, पैसे उसने अपनी पॉकेट में रखे और वापस से उसका पाउच वापस टांगा और वहां से जल्दी से चला जाता है। एज ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विथ हिज स्मार्टनेस। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स। तो वो जैसे जैसे रोड पर जाता है ना, तो स्टार्टिंग में तो बड़ा ही खुश रहता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैंने कितने स्मार्टली इतने सारे पैसे चुरा लिए। लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि इतने पैसे चोरी करने के बाद मुझे जो पब्लिक हाईवे है जहाँ बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो वो अपना रास्ता बदल लेता है और जंगल की तरफ चला जाता है। वुड्स हियर मीन्स फॉरेस्ट। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी। स्टार्टिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फॉरेस्ट में वो इजीली चला जाता है क्योंकि डे टाइम है। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इन टू। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली। तो स्टार्टिंग में तो उसको पूरा रास्ता समझ में आता है, लेकिन ये फॉरेस्ट कैसा था, बहुत बिग एंड कन्फ्यूजिंग, बहुत बड़ा था, बहुत ही कन्फ्यूजिंग था, रास्ते अब उसको समझ में नहीं आ रहे थे। वो बाहर निकलना चाहता है, एक डेफिनेट निश्चित डायरेक्शन में जाना चाहता है, लेकिन जो रास्ते हैं वो बहुत ट्विस्टेड हैं। मतलब बैक एंड फोर्थ का यहाँ मतलब है कि वो एक जगह से जाता है और घूम फिर कर वो वहीं पर आ जाता है। उसको नहीं समझ में आ रहा है कि वो सही रास्ते पर कैसे जाए या उस जंगल से बाहर कैसे निकले। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। काफ़ी देर हो जाती है उसको चलते चलते, लेकिन जो वुड है, जो जंगल है, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। और फाइनली उसको रियलाइज़ होता है कि वो एक ही जगह पर घूम रहा है, घूम फिर कर एक ही जगह पर वापस वो आ जाता है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप। अब आप देखिए, उसने शुरू में ही कहा था ना कि ये वर्ल्ड क्या है, एक रेड ट्रैप है, और यहाँ पर बहुत से वेट्स हैं, बहुत से प्रलोभन हैं जो हमारा इंतज़ार करते हैं ताकि हम उस लालच में आएं और इस बड़े से जाल में फंस जाएं। तो अब उसको लगता है नाउ हिज ओन टर्न हैड कम। अभी तक तो वो एक वॉन्डरर था, सिर्फ पेट भर के मिल जाए इतना काम वो करता था, लेकिन अब उसकी बारी थी इस दुनिया रूपी रेड ट्रैप में फंसने की। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट। इस बार वो खुद ही एक बेट, एक प्रलोभन में फंस गया था। उसका बेट क्या था, वो 30 क्रोनर्स, उसने उनकी लालसा की और अब वो इस दुनिया रूपी जाल में फंस चुका है। द होल फॉरेस्ट विथ इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेज, इट थिकेट्स एंड फॉलन लॉक्स क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। अब उसको समझ में आ रहा है कि ये जो जंगल है, इसके पूरे तने, इसकी पूरी शाखाएं, थिकेट्स यानी जो डेंस बुशेज होती हैं यानी घनी झाड़ियाँ और जो लकड़ियाँ नीचे पड़ी हुई हैं, सब कुछ उसके लिए एक प्रिजन का काम करने वाली हैं। और ये प्रिजन कैसा होगा, इम्पेनिट्रेबल होगा, अभेद्य होगा, इसको तोड़कर वो बाहर नहीं जा सकता है और अब वो यहाँ से कभी भी एस्केप नहीं कर पाएगा। इट वॉज लेट इन डिसम्बर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। तो ये सीजन कौन सा था जब इसने ये चोरी की और फॉरेस्ट में गया, ये डिसम्बर है, वो भी लेट इन डिसम्बर यानी डिसम्बर एंडिंग का टाइम है जबकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, जंगल में बहुत ज़्यादा अंधेरा होने लग गया था और इस वजह से जो डेंजर है, जो खतरा है, और बढ़ता जा रहा था।
और जैसे जैसे डार्कनेस और डेंजर बढ़ रहा था, इसके अंदर ग्लूम एंड डिस्पेयर, निराशा के भाव, दुख के भाव बढ़ते चले जा रहे थे। फाइनली ही सा नो वे आउट एंड ही सेंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। तो अब वो समझ चुका था कि बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। वो ज़मीन पर बैठ जाता है, इतना वो थक चुका है कि उसको लग रहा है कि वो मर ही जाएगा। उसको ऐसा लगने लगता है कि उसका अंतिम समय आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट डेट वॉज। लेकिन लकीली जब वो अपना सिर जमीन पर रखता है, उसको एक थम्पिंग साउंड सुनाई देता है। थम्पिंग मतलब जैसे कि कोई किसी चीज़ को बीट कर रहा है, ज़ोर ज़ोर से चोट कर रहा है, मार रहा है। ऑब्वियसली वो समझ जाता है ये किस चीज़ की आवाज़ है। क्या आवाज़ होगी बच्चों? हमने पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आयरन फैक्ट्रीज थी, आयरन मिल्स थी। तो यहाँ पर जहाँ पर वो क्रॉफ्टर काम किया करता था ना, रैम्प्स जो आयरन वर्क्स, वो कहीं ना कहीं पास में लोकेटेड है इस फॉरेस्ट के। ही रेज्ड हिमसेल्फ, दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ही थॉट। वो सोचता है कि ये तो शायद आयरन मिल में जो हैमर से लोहे को पीटा जाता है ना, स्ट्रोक्स, उसका साउंड आ रहा है। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, मतलब यहाँ पर पास में कोई ना कोई लोग हैं। ही समंड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप एंड स्टेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। तो वो जल्दी से समंड मींस होता है गैदर्ड, उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है, उसकी जितनी भी ताकत या क्षमता है, उसको इकट्ठा करता है, उठता है। एंड स्टेगर्ड मीन्स वॉकिंग अनस्टेडिली, जैसे भी लड़खड़ा कर उससे चलते बनता है, वो उस आवाज की डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देता है। द रैम्प्स जो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फॉर्ज। तो जो रैम्प्स जो आयरन वर्क्स था वो पास ही था और वो अभी ओपन था। वहाँ पर क्या है, स्मेल्टर यानी आयरन फैक्ट्री है, रोलिंग मिल्स हैं मतलब जहाँ पर आयरन की बड़ी बड़ी शीट्स रोल की जाती हैं, वहाँ पर फॉर्ज है, फॉर्ज मींस फर्नेस, जहाँ पर आयरन के ओर को पिघलाकर दूसरे दूसरे शेप में ढाला जाता है। इन समर टाइम लॉन्ग लाइंस ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेज एंड स्काउज स्लिड डाउन द कैनाल विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक। And in the winter time, the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal grates. तो वो बताता है कि जब ये जो iron mill है ना, उसके पास में ही एक क्या है, canal बना हुआ है, पानी का वे है, जहाँ पर barges and scows क्या होती हैं, flat boats होती हैं, जिनमें कि फैक्ट्री से बने हुए सामान को या रॉ मटेरियल को फैक्ट्री से ले जाना हो या लाना हो, ये सब काम किए जाते हैं। और ये कहाँ जाती हैं, एक लेक में जाती हैं, लेकिन विंटर में कैनॉल के थ्रू ना ले जाकर रोड से ये सब सामान ले जाया जाता है। चूँकि ये सब सामान फर्नेस से निकलता है, तो क्या होता है, वो रोड्स जो हैं वो कोल की डस्ट की वजह से कैसी हो जाती हैं, ब्लैक हो जाती हैं, क्योंकि चारकोल क्रेट्स भी वहाँ से ले जाए जाते हैं। चारकोल क्यों यूज़ होता है बेटा, फर्नेस जो होती हैं, आप केमिस्ट्री वगैरह में साइंस में पढ़ते हैं, जो बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं उनमें जो हीट प्रोड्यूस करने के लिए काय का यूज़ किया जाता है, कोल का यूज़ किया जाता है। इसलिए ये सारी रोड्स और वो सारा एरिया कैसा हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. तो क्या होता है, ये सर्दी का समय है, क्रिसमस बहुत पास है, उस अंधेरी शाम में, रात में, जो मेन ब्लैक स्मिथ है, स्मिथ यहाँ मतलब है ब्लैक स्मिथ, जो लोहार है और उसका एक हेल्पर है, वो इस मिल में फर्नेस यानी उस भट्टी के पास में बैठे हुए हैं। और किस चीज़ का वो वेट कर रहे हैं, पिग आयन का। पिग आयन का मतलब होता है रॉ आयन, जो कच्चा लोहा आता है उसका वेट कर रहे हैं, क्योंकि उसको वो आग में डालेंगे और उसको फिर पिघलाकर एनविल, एक स्क्वायर
एपरेटस होता है जिसमें कि कच्चे आयरन को गर्म करके जब वो रेड होता है तो उसमें रखकर उसको पीट कर शेप में ढाला जाता है। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टिर द ग्लोइंग मास विथ अ लॉन्ग आयरन बार रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विथ परस्पिरेशन दो एज वॉज द कस्टम ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज। तो उनका जो रूटीन था, जो रूटीन वर्क कैसा है कि वो आयरन उसमें डालते हैं, बीच बीच में उस ग्लोइंग मास जो उसमें धातु डली हुई है जो कि चमक रही है गर्म होने की वजह से, उसको एक लोहे की रॉड से वो स्टिर करते हैं, हिला देते हैं और फिर वापस आकर बैठ जाते हैं। इतनी वहाँ गर्मी होती है कि इस सर्दी में भी उनको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है और वहाँ पर जो एक कस्टम है उनको क्या पहन कर रखना पड़ता है, एक बड़ी सी शर्ट पहन लेते हैं और लोहे के लकड़ी के शूज, वुडन शूज वो पहन कर रखते हैं। ऑल द टाइम देयर वॉज मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज द बिग बेलोज ग्रोन्ड द बर्निंग कोल क्रैक्ड द फायर बॉय शॉवल चारकोल इन टू द मॉ ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। तो वहाँ पर मिल में क्या था, बहुत तरह की आवाज़ें आती हैं। कौन कौन से तरह के साउंड वो हैं उस भट्टी के पास, बिग बेलोज ग्रोन, बेलो क्या होता है, एक एयर पंप टाइप का होता है, तो वो जो आग है उसको तेज़ करने के लिए उस पंप से एयर उसमें ब्लो करते हैं, उसका साउंड कैसा है, ग्रोन, उसमें एक तेज़ आवाज़ आती है। उसके बाद जो कोयला है जब वो जलता है तो क्रैकिंग साउंड आता है। उसके बाद बीच बीच में जो फायर बॉय है वो चारकोल डालता है उसमें काय में, मॉ ऑफ द फर्नेस, मॉ क्या हो गया, उसका माउथ हो गया, तो भट्टी में जब वो कोयला डालता है तो बहुत तेज़ क्लैटरिंग साउंड, चटचटाने की आवाज़ आती है। इन सब आवाज़ों के बीच आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, बाहर जो हमने बात की थी ना पानी भी है तो एक वाटरफॉल है उसके पानी के गिरने की आवाज़ भी आ रही है। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड whipped the rain against the brick tiled roof, और जो उनकी रूफ है उस पर भी क्या होता है, तेज़ हवाएं जो चल रही हैं उसकी आवाज़ भी आ रही है। whip means होता है टार्ड, हवाएं जो तेज़ी से उस रूफ पर टकराती हैं उसकी आवाज़ आ रही है। जब बारिश होती है तो वहाँ पर बहुत तेज़ तेज़ उन टाइल्स पर आवाज़ आती है। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. तो इन सब आवाज़ों के बीच में जो blacksmith है, जो लोहार है, वो ध्यान ही नहीं दे पाता कि किसी ने गेट खोला और गेट खोलकर एक आदमी अंदर आ गया है। कब तक उसका ध्यान नहीं जाता, जब तक वो आदमी बिल्कुल ही फर्नेस के क्लोज आकर खड़ा नहीं हो जाता। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of the fire. तो ये कोई नई बात नहीं थी, जो उस फैक्ट्री में जो विंडोज थी, सूटी पेंस क्यों कहा गया, सूटी मीन्स ब्लैकिश, चूंकि वहाँ पर चारकोल और कोल जलाया जा रहा था तो जो विंडो थे उनके ग्लास कैसे हो गए थे, ब्लैकिश हो गए थे, लेकिन इतने थे कि उनसे जो लाइट है वो बाहर जाती थी। तो जो वैगाबॉन्ड्स होते थे, होमलेस वॉन्डरर होते थे, जो गरीब जिनके पास ठंड में रात बिताने के लिए जगह नहीं थी, वो इस लाइट के प्रति अट्रैक्ट हो जाते थे और अपने आप को गर्म बनाए रखने के लिए, रात काटने के लिए वो इस फैक्ट्री में आ जाया करते थे। तो ब्लैकस्मिथ को कुछ नया नहीं लगा। The blacksmiths glanced only casually and indifferently at the intruder. Intruder क्या होता है, जो कि बिना परमिशन के किसी की प्रॉपर्टी में एंटर कर जाता है। तो ये जो अपना वॉन्डरर है, पैडलर है, वो भी परमिशन लेकर अंदर नहीं आया है। तो ब्लैकस्मिथ जो होता है एक नज़र उसको देखता है और कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, ना ही उसको कुछ कहता है। He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged and with a bunch of red traps dangling on his chest. Dangling means hanging. तो वो कोई नया लुक नहीं था, ये जहाँ भी जाता था पैडलर उसका गेटअप कैसा है, लंबी सी वो दाढ़ी रखे हुए है, डर्टी यानी बहुत गंदा है, वो सफाई से नहीं रहता है, रेग मीन्स उसके कपड़े जो हैं वो बहुत फटे पुराने हैं
और उसने अपनी चेस्ट पर बहुत सारे क्या टांग कर रखे हुए हैं, रेड ट्रैप्स टांगे हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति को देखकर जनरली लोग किस तरह का लुक दिया करते थे, इनडिफरेंट, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, कोई वेलकम नहीं किया जाता था उसको, वैसा ही लुक इस लोहार ने उसको दिया। He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. The tramp did not say anything either. तो क्या हुआ, इसने उनसे परमिशन ली कि मैं क्या यहाँ रुक सकता हूँ, तो ब्लैकस्मिथ ने सिर्फ नॉट कर दिया, सिर हिला दिया, कोई वेलकम नहीं किया, कोई ऑनर नहीं किया उसको, क्योंकि एक शब्द बोलकर भी वो कह सकता था कि हाँ रुक जाओ, लेकिन उसने सिर्फ सिर हिलाकर बोल दिया। और ट्रैम्प यानी हमारे जो पैडलर ने भी कुछ रिप्लाई में नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, क्योंकि वो भी यहाँ कोई बातचीत करने के लिए नहीं आया था, वो यहाँ किस लिए आया था, उसको अपने आप को गर्म बनाए रखना था और सोने के लिए एक जगह चाहिए थी। इन दोज डेज द रैम्प्स जो आयरन मिल वॉज ओन बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। उस समय इस जो आयरन रैम्प्स जो आयरन मिल थी, इसका जो ऑनर था वो बहुत ही फेमस आयरन मास्टर था, और वो बहुत, उसका एक ही एम्बिशन था, उसका एक ही लक्ष्य था कि मार्केट में उसको बहुत अच्छी क्वालिटी का आयरन जो है वो भेजना है। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. तो वो क्या करता है, दिन रात उस मिल पर नज़र रखता है और बीच बीच में इंस्पेक्शन के लिए आता रहता है कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उस दिन भी रात में वो वहाँ पर आता है इंस्पेक्शन करने के लिए। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज द टॉल रैगामफिन हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैक्स। तो क्या होता है कि वो, चूंकि वो आयरन मिल का मालिक है, उसको नहीं पता कि यहाँ कोई आउटसाइडर भी उसको मिलेगा, तो वो आते ही सबसे पहले इस लंबे से व्यक्ति को देखता है। रैगामफिन यानी क्या होता है, अ पर्सन इन डर्टी क्लोथ्स, ऐसा व्यक्ति जो कि गंदे से कपड़े पहने हुए है, उनसे लिपटा हुआ है। तो वो देखता है कि फर्नेस के बहुत पास में एक व्यक्ति गंदे से कपड़े में, गंदे से अटायर में लेटा हुआ है, और उसके जो रैक्स हैं, उसके कपड़े जो हैं वो इतने वेट हैं, इतने गीले हैं कि उनसे भाप निकल रही है। आप सोचिए कितनी ठंड होगी बाहर कि उसके कपड़े लगभग गीले हो चुके थे, और वो इतने पास उस फर्नेस के सो पा रहा है ठंड में, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगी हुई थी उन वेट क्लोथ्स की वजह से। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स हु हैड हार्डली डिजाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर। तो लेकिन जो ये आयरन मास्टर था, जो मिल का मालिक था, वो उस ब्लैक स्मिथ की तरह नहीं था कि कौन स्ट्रेंजर आ गया है उसको देखना भी नहीं है ध्यान से, वो उसको ध्यान से देखता है। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। स्लाउच यानी ड्रूपी। उसने अपने फेस पर जो अपना जो पैडलर था ना, जो स्ट्रेंजर था, उसने अपने फेस पर क्या कर रखा था, अपने हेड को कवर कर रखा था ताकि जो रोशनी है उसकी आंखों में ना जाए और वो अच्छे से सो सके। तो ये जो आयरन मास्टर है वो उसके बिल्कुल पास चलकर जाता है, उसको ध्यान से देखता है, उसके हेड को हटाकर उसका फेस देखने की कोशिश करता है। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ओलोफ ही सेड, हाउ यू डू लुक, द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रैम्प्स जो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज। तो क्या होता है, जो आयरन मास्टर जब उसका हेड हटाता है तो वो क्या कहता है, अरे ये तुम हो, और उसका नाम भी लेता है, नील्स ओलोफ तुम कैसे दिखने लग गए हो। तो जो अपना स्ट्रेंजर है उसको बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि वो तो इसके पहले आयरन मास्टर को कभी मिला ही नहीं था, वो उसका नाम भी नहीं जानता था। बट इट ऑकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्विंटेंस ही माइट परहैप्स थ्रू हिम अ कपल ऑफ क्रोनर। तो क्या होता है, वो उसके मन में फिर एक बेट आ गया, फिर एक लालच आ गया, क्या कि यदि ये जो जेंटलमैन जो आयरन मास्टर है
मुझे पहले से जानता है, ओल्ड एक्विंटेंस यानी पुराना परिचय। चूंकि इसने मेरा फेस देखकर मेरा नाम लिया है, दैट मीन्स ये मुझे पहचानता है। और इतना बड़ा आदमी यदि मुझे पहचानता है तो हो सकता है मेरी इस बुरी कंडीशन को देखकर मुझे थोड़े से क्रोनर वो दे दे। Therefore, he did not want to undeceive him all at once. इसलिए वो तुरंत उसको धोखे में ही रखना चाहता है, अनडिसीव नहीं करना चाहता, मतलब उसके जो धोखे है उसको ख़त्म नहीं करना चाह रहा। वो नहीं बताता कि मैं नील सलोफ नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी ही सेड, यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। तो ये इतना बदमाश है स्ट्रेंजर की क्या कहता है, हाँ भगवान ही जानता है कि मैं कितनी बुरी से बुरी कर, डाउनहिल मतलब बैड टू वर्स, कि मेरे साथ कितना बुरे से भी बुरा होता चला गया। तो आयरन मास्टर क्या बोलते हैं, यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। रेजिमेंट यानि जो आर्मी का एक पार्ट होता है, तो वो आयरन मास्टर कहता है कि तुमको रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ क्या क्लियर हो गया कि ये जो नील सलोफ था वो आर्मी में काम करने वाला कोई व्यक्ति था। दैट वॉज द मिस्टेक, इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपन्ड। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी। तो क्या यहाँ से एक और चीज़ क्लियर हुई कि जो आयरन मास्टर थे वो भी शायद आर्मी में ही काम करते थे और वहाँ पर ये व्यक्ति उनके साथ काम किया करता था। तो वो क्या कहते हैं कि यदि मैं रिज़ाइन नहीं करता, मैं आर्मी नहीं छोड़ता, तो तुम भी नहीं छोड़ते और आज तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। और वो उसको अपने घर आने के लिए इनवाइट कर देते हैं। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। ट्रैम्प यानी वही वॉन्डरर, हमारा जो पेडलर है। उसको क्या लगता है कि किसी व्यक्ति के जो कि इतना फेमस है, मैनर यानी ग्रैंड, उसके बड़े से घर में जाना जो कि उसका रेजिमेंटल कॉमरेड है, मतलब रेजिमेंट में उसके साथ रहा हो, ये आइडिया उसको अच्छा नहीं लग रहा। अब आप बताइए क्यों अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि इसने बहुत सारे पैसे चुरा कर रखे हुए हैं। यदि वहाँ जाएगा और इसकी जो असलियत है वो निकल के आएगी तो ये सीधे पुलिस के पास भेज दिया जाएगा। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म। तो सडनली वो रिएक्ट करता है कि नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता हूँ। ही थॉट ऑफ द 30 kroner, क्योंकि उसके दिमाग में वो 30 kroner वाली बात है। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इन टू द लायंस डेन। उसको लगता है कि अपने आप को एक शेर की गुफा में डालने जैसा रिस्की हो जाएगा यदि मैं इसके साथ चला जाता हूँ। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल। तो वो क्या सोचता है कि मुझे सिर्फ इतना करना है कि आज की रात अपनी ठंड मिटाने के लिए इस फॉर्ज के पास सोना है और कल नॉट नोटिस इन कॉन्स्पिकसली का मतलब होता है कि किसी का ध्यान ना जाए, चुपचाप से मैं यहाँ से निकल जाऊँगा सुबह। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बेरस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग। आयरन मास्टर नहीं समझ पाता कि ये क्यों नहीं जा रहा। उसको लगता है कि ये अपनी जो अभी की कंडीशन है, जो गंदे से कपड़े इसने पहने हैं, गंदा सा एक अटायर है पूरा, उस वजह से ये एम्बेरस फील कर रहा है, इसलिए मेरे साथ मेरे बड़े से घर में नहीं जाना चाह रहा। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर ही सेड। एलिजाबेथ इज डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, माई बॉयज आर अब्रॉड एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, नाउ कम अलॉन्ग विथ मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपीयर एज लिटिल फास्टर। तो वो क्या कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि मेरा घर बहुत अच्छा है और तुम इस तरह इस हालत में वहाँ पर नहीं जा सकते हो, वहाँ तुम्हें देखने वाला कोई भी नहीं है। मेरी वाइफ जो एलिजाबेथ थी
अब यहाँ देखिए वो कितने अच्छे से अपनी वाइफ का नाम उसको बता रहा है कि एलिजाबेथ इज डेड, यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, क्योंकि वो अभी उसको अपना फ्रेंड समझ रहा है स्ट्रेंजर को, तो वो सोच रहा है वो मेरी वाइफ को भी जानता है, तो वो बता रहा है उसको कि एलिजाबेथ अब मर चुकी हैं, तुमने शायद पहले ही सुन लिया होगा ये, और मेरा जो बेटा है वो विदेश में रहता है, मेरे घर पर और कोई नहीं है सिवाय मेरी बड़ी बेटी के और मेरे, और हम दोनों बात कर ही रहे थे कि क्रिसमस हम दोनों अकेले कैसे मनाएंगे, हमें कंपनी देने वाला कोई नहीं है, यदि तुम हमारे साथ चलोगे तो क्रिसमस में हम बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे, और एक फनी वे में कहता है कि क्रिसमस पे जो फूड होता है, जो भी डिशेस बनेंगी वो हम जल्दी जल्दी ख़त्म कर पाएंगे क्योंकि हम दो से तीन हो जाएंगे। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो एंड अगेन नो, एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। क्या होता है, बार बार स्ट्रेंजर मना करता जाता है, मना करता जाता है, मना कर जाता है, और आयरन मास्टर सोचता है कि ये मान जाए। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेले प्रिफर टू स्टे विथ यू टू नाइट, जर्न स्टॉर्म ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हील। तो यहाँ पर क्या होता है, अब मान गया आयरन मास्टर, लेकिन उसके फेस पे एक अजीब सी मुस्कुराहट है, और वो जर्न स्टॉर्म कौन है, जो ब्लैक स्मिथ है उसका नाम है, तो उससे कहता है कि जो कैप्टन वॉन स्टेले है, वॉन स्टेले कौन, नील अलोफ जिसको बोल रहा था वो, मतलब जो हमारा स्ट्रेंजर है उसका नाम क्या है, कैप्टन वॉन स्टेले, वो कहता है ब्लैक स्मिथ से कि ये आज तुम्हारे पास ही रहना पसंद करेंगे, और वो वहाँ से चला जाता है। बट ही लव टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। तो क्या होता है, ब्लैक स्मिथ तो जानता है कि आयरन मास्टर कितने ज़िद्दी हैं, वो भले ही वहाँ से ऐसा कहकर चले गए हैं और वो हंसते हुए गए हैं, दैट मीन्स ये उनके लास्ट वर्ड नहीं थे, वो कैप्टन वॉन स्टेले को यहाँ छोड़ने वाले नहीं थे। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरिएज व्हील्स आउटसाइड द फॉर्ज एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर। क्या होता है, जो ब्लैक स्मिथ था वो सही समझा था कि आयरन मास्टर इतनी आसानी से नहीं मानेगा, थोड़े ही देर बाद आधे घंटे के अंदर उनकी जो फौज थी उसके बाहर उनको एक कैरिएज के रुकने की आवाज़ आती है, चक्कों की आवाज़ आती है, और इस बार उसमें से एक नया गेस्ट उतरता है जो कि निश्चित रूप से आयरन मास्टर नहीं थे, उन्होंने किसी और को भेजा हुआ था, तो वो कौन था, ही हैड सेंट हिज डॉटर अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन हिमसेल्फ। वो जानते थे कि उनकी बेटी में परसुएशन यानी होता है किसी को मनाने की क्षमता उनसे ज़्यादा थी, इसलिए वो अपनी बेटी को वहाँ पर भेजते हैं। शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैले कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट। तो उसके साथ कौन था, एक वैले था, मतलब एक मैन सर्वेंट था, एक अटेंडर था जो कि उसके बड़े से फर के कोट को पकड़े हुए था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी बट सीम मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय। वो सुंदर नहीं थी लड़की, लेकिन बहुत ही मॉडेस्ट, बहुत ही उदार और बहुत ही शांत और शर्मिली दिखाई दे रही थी। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड एंड हिज हैड पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज। सब कुछ सेम था, आयरन मास्टर के जाने के बाद जो उनका रेगुलर रूटीन चल रहा था, रेगुलर वर्क चल रहा था, वो शुरू हो गया था। ब्लैक स्मिथ अपना काम कर रहा था, चारकोल भट्टी में डाला जा रहा था, जो स्ट्रेंजर था आराम से फर्श पर लेटा हुआ था, उसने सिर अपना पिग आयरन, मतलब एक आयरन ब्लॉक के ऊपर रख रखा था, और अब जो अपनी हेड थी उसको वापस से अपनी आईज के ऊपर ढक लिया था। एज सून एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट। जैसे ही वो लड़की उसको देखती है वो उसके पास जाती है और उसके फेस पर से वो हैट हटा देती है। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली
एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड। तो इसकी स्ट्रेंजर की क्या आदत थी, उसकी सारी आदतें अजीब सी हैं। वो क्या करता था, एक आँख खोल कर सोता था। तो जैसे ही हैट हटाया गया वो कूद पड़ा अब्रप्टली, यानी सडनली, अचानक से, जैसे ही उसने देखा कि ये कौन आ गया, और बहुत ही डर जाता है वो। माई नेम इज एडला विलमैनसन, सेड द यंग गर्ल। तो वो जो लड़की थी वो बताती है कि मैं कौन हूँ, मैं एडला विलमैनसन हूँ। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हियर इन द फर्स्ट टू नाइट एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। तो क्या होता है, वो बताती है लड़की कि मेरे पिताजी जब घर लौटे तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम घर नहीं आना चाहते हो, तुम आज यहाँ इस फौज में ही रात बिताना चाहते हो। तो मैंने परमिशन ली कि मैं तुम्हारे पास आऊँगी और तुमको घर वापस लेकर जाऊँगी। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली with her heavy eyes and then she noticed that the man was afraid. तो वो क्या कहता, वो कहती है, I'm so sorry captain, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि आपको इतना बुरा वक्त बिताना पड़ा। वो जो अपने stranger है ना उसकी तरफ compassionately यानी with sympathy, उसकी आँखें बहुत भारी हैं, वो बहुत ही दया के भाव से देखती है किसकी तरफ, stranger की तरफ। और फिर वो देखती है कि वो आदमी जो है वो अफ्रेड है, वो डरा हुआ है। ईदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, शी थॉट, एंड एडिड क्विकली, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव। उसको उसके फेस को देखकर, उसके डर को देखकर, देखिए आयरन मास्टर नहीं समझ पाया था, लेकिन एडला समझ जाती है कि या तो इसने कुछ चुराया है या ये जेल से भागकर आया है, और इसलिए वो उससे तुरंत कहती है कि तुम बिल्कुल श्योर रहना, निश्चिंत रहना कैप्टन, तुम जब भी लौटना चाहोगे तुम फ्रीली हमारे घर से वापस लौट सकते हो, तुम्हें हम सिर्फ क्रिसमस ईव पर अपने साथ रखना चाह रहे हैं। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. तो वो इतने अच्छे से, इतने अच्छे फ्रेंडली वे में उनसे बोलती है जैसे कि कोई भी कभी उस पेडलर से इतने अच्छे से बात नहीं किया करता था। तो पेडलर को लगता है उसकी बातों पर भरोसा करने का मन हो जाता है। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से आपको परेशानी होगी, आई विल कम एट वंस, मैं आपके साथ चलूँगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट विच द वैले हैंडेड हिम विथ अ डीप बाउ, थ्रू इट ओवर हिज रैक्स एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरिएज विदाउट ग्रंटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लांस। तो क्या होता है, वो जो फर कोट लाई थी लड़की वो इसी के लिए लाई थी क्योंकि बाहर सर्दी बहुत थी, जो उसका सर्वेंट होता है वो उसको झुक कर वो फर देता है और उस फर को, वो कोट को अपने फटे पुराने कपड़ों के ऊपर पहन लेता है और उस यंग लेडी के पीछे पीछे कैरियज तक चला जाता है। और जो ब्लैक स्मिथ थे जिन्होंने उसको कोई वेलकम नहीं दिया था वो भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड evil forebodings, forebodings यानी होता है bad feeling। तो जब वो कैरियज में बैठकर उसके बड़े से घर की तरफ जा रहा होता है उसके अंदर बुरी सी फीलिंग्स आ रही होती हैं कि पक्का मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। Why the devil did I take that fellow's money, he thought। वो सोचता है कि मैंने क्यों उस गरीब आदमी के पैसे चुराए थे, यदि मैंने ये पैसे नहीं चुराए होते Now I am sitting in the trap, तो मैं इस जाल में नहीं फंसा होता and will never get out of it। उसको ये फील आ जाता है कि मैं उन पैसों के लालच की वजह से, चुराने की वजह से इस ट्रैप में फंस चुका हूँ और अब मुझे नहीं लगता कि मैं इससे कभी भी बाहर निकल पाऊँगा। The next day was Christmas Eve and when the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade
whom he had run across so unexpectedly. तो क्रिसमस ईव के दिन अगले दिन सुबह जब वो ब्रेकफास्ट करने के लिए आते हैं तो जो आयरन मास्टर था बहुत ही सेटिस्फाइड दिखाई देता है, क्योंकि उसने अपने एक पुराने रेजिमेंटल कॉमरेड, पुराने आर्मी के फ्रेंड को अपने घर ले आया है, जिससे कि वो बहुत ही अचानक से अनएक्सपेक्टेडली मिल गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर हु वॉज बिजी एट द टेबल। वो क्या कहता अपनी बेटी से जो कि टेबल सजा रही थी, लगा रही थी, कि सबसे पहले तो ये इतना दुबला हो चुका है कि उसको थोड़ा सा खिला पिला कर हमको मोटा करना पड़ेगा। गेट अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स का क्या मतलब है कि वो इतना दुबला है कि उसकी हड्डियों पर मांस भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो उसको खिलाकर उसको हेल्दी बनाना चाह रहे थे। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। फिर हमको ये व्यवस्था करनी होगी कि उसको गांव-गांव सड़क सड़क पर घूमकर ये रेड ट्रैप ना बेचने पड़े, हम उसके लिए कोई और ऑक्यूपेशन की व्यवस्था करेंगे। इट इज क्वेयर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विथ हिम सो बैडली एज दैट, सेड द डॉटर। उसकी बेटी ने कहा सही में ये बहुत अजीब है क्वेयर, यानी स्ट्रेंज, कि उनके साथ इतना बुरा हुआ कि आज उनको ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। लास्ट नाइट I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. वो कहती है कि लास्ट नाइट जब मैं उनसे मिली तो मुझे उनको देखकर कहीं से नहीं लगा कि ये एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे कभी। You must have patience, my little girl, said the father. फादर ने कहा कि तुम थोड़ी सी धैर्य रखो, as soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. Last night he was naturally embarrassed. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. तो जो फादर हैं उन्होंने उसको अच्छे कपड़े दिए हैं, उसको नहाने के लिए जगह दी है, तो वो कहते हैं जब वो साफ होकर अच्छे कपड़े पहनकर आएगा तो वो अलग ही व्यक्ति दिखाई देगा। पिछली रात उसका बिहेवियर अजीब था क्योंकि वो शर्मिंदा था, और उसके जो ट्रैम्प मैनर्स थे मतलब वो अब बिल्कुल ही कम्प्लीटली अलग लाइफ जी रहा है, इसलिए जब वो नहाएगा उन कपड़ों के साथ उसका वो व्यवहार भी अलग हो जाएगा। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। द वैले हैड बाथ्ड हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम। उनका जो सर्वेंट था उसने उसको नहलाया, उसके बाल काटे, उसकी शेविंग की, और अब वो बिल्कुल साफ सुथरा और अच्छे कपड़े पहनकर वहाँ पर बाहर आ जाता है। Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. Iron master usko ek acha sa suit pehenne ke liye deta hai. He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. Usne achhi safed shirt pehni hui hai jiski collar achhi starched hai aur usne shoes pehne hue hain. But although his guest was now so well groomed, the iron master did not seem pleased. लेकिन जब अब देखिए यहाँ पर जैसे ही वो इतना साफ सुथरा तैयार होकर आता है ना, तो उसकी जो रियलिटी है वो रिवील हो जाती है। आयरन मास्टर उसको देखकर खुश नहीं होता क्योंकि अब वो उसको पहचान जाएगा कि ये वो कैप्टन नहीं है। ही लुक्ड एट हिम विथ पकर्ड ब्रो एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट वैन ही हैड सीन द स्ट्रेन fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now, when he stood there in a broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. रात में क्या हुआ था? एक तो वो गंदा था, लुक था उसका, दाढ़ी बड़ी हुई थी, और फर्नेस का जो रिफ्लेक्शन था वो उसके फेस पर पड़ रहा था, तो वो उसको पहचान नहीं पाया। और इस डे लाइट में दिन में तुरंत ही देखकर वो समझ गया कि उसने इसको पहचानने में गलती कर दी है, ये उसका पुराना परिचित व्यक्ति कैप्टन वॉन स्टेले नहीं है। ऐसा देखकर उसका पकर्ड ब्रो उसके चेहरे पर एक गुस्से के भाव आ जाते हैं। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। वो चिल्लाता है इसका क्या मतलब है, लेकिन स्ट्रेंजर जो होता है डिसिमुलेट माने होता है टू हाइड समथिंग, कुछ छुपाना, तो जो हमारा स्ट्रेंजर है वो कुछ भी छुपाने की अटेम्प्ट या कोशिश नहीं करता है क्योंकि वो समझ चुका है कि अब वो पकड़ा जा चुका है
और वो जानता है कि जो स्प्लेंडर है, जो वहाँ पे उसको वेलकम मिल रहा है, जो ग्लैमर था वहाँ पे, जो भी उसको ट्रीट किया जा रहा था, वो सब समाप्त होने वाला था. इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड. आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर एंड आई प्लीडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज. बट नो हार्म हैज बीन डन. एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रेक्स अगेन एंड गो अवे. तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कहता है कि मैंने तो कभी प्रिटेंड नहीं किया, मैंने कभी दिखावा नहीं किया कि मैं कोई और हूँ. मैं तो आपके सामने एक पुअर ट्रेडर बनकर ही लेटा हुआ था. प्लीडेड माने होता है याचना करना, रिक्वेस्टेड. बहुत ज़्यादा मैंने आपसे बैग किया, प्लीड किया, मैंने याचना तक की कि मुझे यहीं फौज में रहने दो, मुझे आपके साथ नहीं चलना है. लेकिन आप मुझे लेकर आए, अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है. आप मेरे कपड़े वापस ले लीजिए और मुझे मेरे फटे पुराने कपड़े वापस दे दीजिए, मैं वापस चला जाऊँगा. वेल सेड द आयरन मास्टर, हेजिटेटिंग अ लिटिल. इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर. यू मस्ट एडमिट दैट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर. वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, तुम ऑनेस्ट नहीं थे, तुमको बताना चाहिए था. और ये सब तुम अब किसको बताओगे? शेरिफ को बताओगे. शेरिफ यानि पुलिस ऑफिसर. अब वो पुलिस बुलाने वाला था और पुलिस ही अब तुमको बताएगा कि इस मैटर में क्या हो सकता है. द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट. ट्रैम्प को भी गुस्सा आ जाती है. वो आता है और अपनी फिस्ट यानि मुट्ठी बनाकर टेबल पर ज़ोर से मारता है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड. दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप. वो अपनी पुरानी फिलोसॉफी पे आ जाता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ आयरन मास्टर की चीज़ें कैसी होती हैं. ये जो पूरी दुनिया है ना, वो कैसी है? एक बड़ा सा रेड ट्रैप है. ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज़, रिंट्स एंड बिट्स ऑफ पोक सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इन टू ट्रबल. एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, then you Mr. Iron Master must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in that trap. The Iron Master begin to laugh. क्या होता है, वो अपनी पूरी थ्योरी बताता है कि जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें इस दुनिया में आपके सामने होती हैं ना, वो सब क्या हैं? बेट्स हैं. बेट्स कैसी? जैसे चूहे के लिए हम बहुत बार इस लेसन में डिस्कस कर चुके हैं, जो चीज़ होता है, जो मीट होता है, वो सब चूहे के लिए बेट्स हैं. और हमारे लिए बेट्स क्या हैं? जो पैसा है, जो अच्छी अच्छे लग्जरी आइटम्स हैं, वो सब हमारे लिए बेट्स हैं. तो वो क्या कहता है, ये सारे जो लालच हैं वो गरीब लोगों को मुसीबत में डालने के लिए हैं, क्योंकि वो उनको लालच में डाल देते हैं और व्यक्ति उस रेड ट्रैप में फंस जाता है. तो शेरिफ को बुला लो और वो मुझे पकड़ कर ले जाएगा. लेकिन याद रखना आयरन मास्टर, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी किसी ना किसी बड़े से पोर्क में, यानी यहाँ फिर पोर्क, यहाँ लिटरली पोर्क से मतलब नहीं है, किसी ना किसी लालच में आओगे और तुम भी उस ट्रैप में फंस जाओगे. ऐसा सुनकर आयरन मास्टर क्या होता है, हंसने लग जाता. उसको भी इसकी थ्योरी इंटरेस्टिंग लगती है. दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो. परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव. But now get out of here as fast as you can. तो उसको उसकी बातें सुनकर अच्छा लगता है और वो मान जाता है कि ठीक है, तुमने उतना बुरा नहीं कहा, तुमने अच्छी बात बोली है, तो मैं अब शेरिफ को नहीं बुलाऊंगा, उसको अपना क्रिसमस मनाने दो, लेकिन तुम जितने जल्दी हो सके यहाँ से भागो. But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. तो जो एडला है वहाँ पर आती है, जब वो डोर खोलकर जाने ही वाला था, वो कहती है मुझे लगता है कि उसको आज हमारे साथ में रुकना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से चला जाए. एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर. वो जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है. व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर. तो वो कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो. द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बैरस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर. उसको थोड़ा सा लगता भी है कि सही बात है, शायद मैं गलत कर रही हूँ. वो एम्बेरस होती है लेकिन और समझ नहीं पाती कि वो क्या उत्तर दे. दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रैच. रैच मीन्स अनफॉर्चुनेट पर्सन, जो बड़ा दुर्भाग्यशाली दुखी सा इंसान है.
तो वो क्या कहती, सोचती है कि मैं सुबह से बड़ी खुश थी कि आज क्रिसमस पर घर में कोई आया हुआ है, और आया वाला व्यक्ति कैसा है, पुअर हंग्री रेच, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत गरीब है, कई दिनों से दुखी और भूखा है, और वो जो कुछ बना रही है उसके लिए बना रही है। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस एंड देट वॉज वाई शी हैड इंटरसेडेड फॉर द वैगाबॉन्ड। तो क्या होता है, उसको ये आइडिया अच्छा नहीं लगता कि इतना कुछ उसने उसके लिए प्रिपेयर किया है और उस वैगाबॉन्ड को वहाँ से जाने के लिए कहा जाए, इसलिए वो उस चीज़ में हस्तक्षेप करती है और उसको रोक लेती है। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल, ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग एंड देर इज़ प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम एंड कैन फील एट होम। वेर एवर ही टर्न्स ही इज़ चेज्ड अवे, ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बींग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विथ अस हियर जस्ट वन इन द होल ईयर। तो वो क्या कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि ये जो स्ट्रेंजर है वो कैसा फील करता होगा, वो हमेशा चलता रहता है, पूरे साल रोडों पर घूमता रहता है, उसको एक सिंगल जगह नहीं है इस पूरी कंट्री में जहाँ पर उसका स्वागत हो, जहाँ पर वो रुक सके, जहाँ पर उसको घर के जैसी फीलिंग आए, और उसको पूरे समय एक डर रहता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, वो हमेशा डरा हुआ है कि उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, हमेशा उसको डर है कि उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी। तो क्या उसको इतना भी राइट नहीं है कि उसको एक दिन वो इंजॉय कर सके, पीसफुली एक दिन बिता सके साल में, एटलीस्ट क्रिसमस पर उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड। तो क्या होता है, आयरन मास्टर मुँह में कुछ बड़बड़ाता है, लेकिन उसमें इतना वो नहीं रहता कि वो अपनी बेटी को अपोज कर सके, उसको विरोध करे। तो वो कहता है, वो कहती है, फिर से कंटिन्यू करती है कि हो सकता है ये एक गलती से हो गया, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बींग होम वी हैव आस्क टू कम हीयर एंड टू होम वी हैव प्रोमिस्ड क्रिसमस चीयर। वो बोलती है ये गलत है, हम किसी व्यक्ति को लेकर आए अपने घर और अब हम उसको जाने के लिए कहें, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने उससे प्रॉमिस किया था कि हम उसको क्रिसमस पर सेलिब्रेट करने का मौका देंगे। यू डू प्रीच वर्स देन ए पार्सन, सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर हार मान जाता है और क्या कहता है कि पार्सन क्या होता है, प्रीस्ट जो चर्च में रहते हैं, कि तुम जो बोलती हो ना, तुम जो प्रीच करती हो, वो एक पार्सन से भी बुरा है। बुरा यहाँ एक अच्छे सेंस में बोला जाता है, क्योंकि एडला में परसुएट करने की पावर है। तो उसने आयरन मास्टर को कन्विंस कर लिया था कि वो उस स्ट्रेंजर को यहाँ पे रुकने दे। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाई द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। तो आयरन मास्टर उसको वॉर्न करता है कि अच्छा होगा यदि तुमको इस चीज़ के लिए रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा, पछताना नहीं पड़ेगा। वो लड़की स्ट्रेंजर को ले जाती है टेबल के पास जहाँ पर कि खाने का सामान रखा हुआ है। नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड। तो वो उससे बोलती है बैठो और ये जो चीज़ें हैं उनको खाओ। अब उसके पिता तो मान चुके थे, रेड ट्रैप्स वाला व्यक्ति एक अक्षर भी नहीं बोलता है, वो चुपचाप बैठ जाता है और खाना खाने लग जाता है। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसेडेड फॉर हिम, बीच बीच में वो उस लड़की को देखता है जिसने उसको रोकने के लिए हस्तक्षेप किया था, उसको रोका था। वाई हैड शी डन इट, वॉट कुड द क्रेजी आइडिया बी आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट राम्स जो पास जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। क्या होता है, जैसे जैसे टाइम होता है वो यही सोचता रहता है कि इस लड़की ने मुझे क्यों रोका, उसके पीछे उसका क्या आइडिया रहा होगा, और वो सोचता है कि ये क्रिसमस ईव निकल जाएगी और स्ट्रेंजर ने उनके लिए कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं की। बस वो क्या करता रहा, सोता रहा। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच। वो दोपहर में सोफे पे सो गया और पूरी दोपहर सोता रहा। एट नून दे वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ गुड क्रिसमस फेयर, बट आफ्टर दैट
ही स्लेप्ट अगेन। दोपहर को वो लोग उसको उठाते हैं और उसके बाद वो फिर से जाकर सो जाता है। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रैम्सडो। तो उसको लगता है, उसको देखकर उसको खुद लगता है कि कई सालों से वो इतने आराम से सोया ही नहीं था, इतना सेफ उसको कहीं भी फील नहीं हुआ था। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड दे वोक हिम अप अगेन। वो सोचिए शाम तक सोता रह रहा है, आपको खुद उसके ऊपर दया आएगी कि इतनी कंफर्टेबिलिटी उसको कभी नहीं मिली थी, इतना अच्छा खाना नहीं मिला था, तो वो कितना रिलैक्स यहाँ था। शाम को जब क्रिसमस ट्री के लाइट्स जला दिए जाते हैं, वो लोग उसको फिर उठाते हैं। एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम बट आफ्टर दैट ही डिसअपीयर्ड अगेन। वहाँ पर वो सेलिब्रेट करते हैं, कैंडल लाइट भी उसकी आँखों में चुभती है और वो वहाँ से फिर वापस चला जाता है। 2 hours later he was aroused once more. 2 घंटे बाद उसको फिर जगाया जाता है। He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. वहाँ पर उसके लिए डिनर रेडी था, उसको फिश खानी थी, पॉरेज खाना था। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be Christmas present. तो क्रिसमस पे जैसे कि वो लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो वहाँ पर भी प्रेजेंट दी जाती हैं, वो एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं। और जब वो यंग गर्ल के पास आता है थैंक यू बोलने के लिए, तो वो बताती है कि उसके फादर ने बोला है कि जो सूट तुमने पहना हुआ है वो क्रिसमस पर तुम्हारी प्रेजेंट है। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसको वो लौटाना नहीं पड़ेगा। एंड इफ़ ही वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर दैट नो ईवल वुड बीफॉल हिम ही वुड बी वेलकम बैक अगेन। वो कहती है कि यदि तुम अगले क्रिसमस पर भी हमारे यहाँ ये फेस्टिवल मनाने आना चाहोगे तो तुम यहाँ आ सकते हो। द मैन विद द रेड ड्रेस डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन द बाउंडलेस अमेजमेंट। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सेशन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। तो क्या होता है, वो रेड ट्रैप वाला व्यक्ति उसको कुछ भी नहीं कहता है, सिर्फ उस लड़की को आश्चर्य से देखता रह जाता है। अब अगली सुबह जैसा कि क्रिश्चियंस करते हैं चर्च में जाते हैं क्रिसमस के नेक्स्ट डे, तो दोनों आयरन मास्टर उसकी बेटी उठते हैं और क्रिसमस में जाते हैं, कहा चर्च जाने के लिए रेडी होते हैं। देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। तो जो हमारा स्ट्रेंजर है वो सो रहा होता है और वो लोग उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. चर्च में कुछ ऐसा होता है कि लौटते समय लड़की का चेहरा बिल्कुल उतरा होता है, वो फेस नीचे झुकाती है। Dejectedly means sad and disappointed, वो बहुत दुखी है, निराश है, ऐसी वो हमेशा नहीं रहती है। क्या हुआ होगा, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वही होता है। At church she had learned that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling red traps. छोटा सा शहर है, चर्च में ये चर्चा उनको पता चलती है कि एक जो क्रॉफ्टर था वही जिसकी कॉटेज पे ये रुका हुआ था, उसके क्रोनर्स चोरी हो गए हैं। और चोरी किसने किए हैं, एक ऐसे व्यक्ति ने जो कि रेड ट्रैप बेचने का काम करता है। यस दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस सेड हर फादर, उसके पापा गुस्से में बोलते हैं कि यही एक अच्छा इंसान था ना जिसको तुमने अपने घर में आने दिया। आई ओनली वॉन्डर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाई दिस टाइम। वो कहते हैं कि अब जाकर देखना कि हमारे कबर्ड में कितनी सिल्वर स्पून बची होंगी। उनको लगता है कि वो सारी की सारी चुरा कर ले गया होगा। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वेल whether the stranger was still there. He added that he had heard at church that the man was a thief. तो वो जल्दी से उतरते हैं और अपने सर्वेंट को बोलते हैं कि क्या वो स्ट्रेंजर अभी यहीं है, क्योंकि हमें चर्च में पता चला है कि वो एक चोर था। The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. On the contrary, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present. तो क्या होता है, वैले बताता है, सर्वेंट बताता है
कि नहीं वो जा तो चुका है लेकिन कुछ भी लेकर नहीं गया, बल्कि वो क्या करके गया है, एडला के लिए एक गिफ्ट देकर गया है और उसने कहा है कि ये उसके ऊपर बहुत वो होगी, जेनरसिटी होगी कि वो उस प्रेजेंट को एक्सेप्ट करे। द यंग गर्ल ओपेंड द पैकेज विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इन टू द व्यू एट वंस, शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय। तो उसकी जो पैकिंग थी ना, जो गिफ्ट की, इतनी बुरी की गई थी कि उसमें क्या रखा हुआ है वो बाहर से ही दिखाई दे रहा था और एडला बहुत खुशी से चिल्ला पड़ती है उसको देखकर। शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप, क्या था उसमें, छोटा सा एक रेड ट्रैप था, एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स, और उसमें क्या रखे हुए थे, वो 3 10 क्रोनर के नोट थे जो कि उसने उस क्राफ्टर के यहाँ से चुराए थे। बट दैट वॉज नॉट एट ऑल, लेकिन इतना ही नहीं था, इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैग लेटर्स कैरेक्टर्स, उसने उसमें एक लेटर भी लिखा था बड़े से गंदे से अक्षरों में, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, उसने क्या बोला उसको, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन। वो कहता है कि आप मेरे साथ इतनी अच्छी थी जैसे कि मैं वाकई में एक कैप्टन हूँ, तो मैं भी आपके साथ अच्छा होना चाहता हूँ जैसे कि मैं वास्तव में एक कैप्टन हूँ, एक कैप्टन की तरह मैं बिहेव करूँगा, फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, मैं ये नहीं चाहता कि एक चोर की वजह से इस क्रिसमस में आपको शर्मिंदा होना पड़े, बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, में चाहता हूँ कि ये जो पैसे हैं वो आप उस ओल्ड मैन को वापस कर दें, हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर पुअर वॉन्डरर्स, क्योंकि उसने अपनी खिड़की पर वो पैसे टांग कर रखे थे जो कि गरीब, मेरे जैसे गरीब वॉन्डरर के लिए क्या थे, एक बेट थे, मैं उनको देखकर लालच में आ गया था। द रेड ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रेट, तो ये रेड ट्रैप मेरे जैसे रेट की तरफ से आपको क्रिसमस का गिफ्ट है। हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रेड ट्रैप इफ ही हैड नॉट बीन रेस्ड टू कैप्टन, यदि मैं आज एक कैप्टन की तरह नहीं सोचता तो मैं इस दुनिया रूपी रेड ट्रैप में हमेशा के लिए कैद होकर रह जाता, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, जब मैंने खुद को एक कैप्टन की तरह देखा, आपने मुझे एक कैप्टन की तरह फील कराया, तो मेरे दिमाग से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गईं। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेले, सोचिए उस स्ट्रेंजर ने नीचे अपने आप का नाम भी क्या लिखा है, कैप्टन वॉन स्टेले, क्योंकि उसने उसी सेंस के साथ वो लेटर लिखा था। तो ये यहाँ पर आपकी स्टोरी फिनिश होती है, एंड होती है, और आपको इस स्टोरी से सिर्फ एक चीज़ ये सीख मिलती है कि जो पावर ऑफ इमोशन है, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, आप किसी को जैसा वो है वैसा एक्सेप्ट करिए, भले ही वो कुछ गलत काम भी कर रहा है, यदि आप उसको अच्छा फील कराएंगे, उसके साथ सिंपथी का बिहेवियर करेंगे, तो वो बदल सकता है, जैसा कि हमारा पैडलर था वो चेंज हो गया था। इसके साथ ही ये क्लास एंड होती है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।